जब भी हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं हम ढाबे वाले खाने को, और हमें वो बहुत पसंद आते हैं। घर पर आने के बाद में हम उसको ट्राई भी करते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी हमारी चीज़ें वैसी नहीं बनती हैं। बहुत से दफ़ा नहीं बनती हैं, बहुत से दफ़ा बन भी जाती हैं। तो क्या सीक्रेट है फ्रेंड्स, मैं ये रेसिपी आपके पास में बिल्कुल ऑथेंटिक लेकर आई हूँ, ढाबे के किचन से लेकर आई हूँ। जी बिल्कुल सही सुना आपने। तो यहाँ पर हम सारे मसालों को पहले कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें इनको करना है रोस्ट। तो पहले हम धनिए को डाल देते हैं और 8 से 10 सेकेंड हम धनिए को हल्का सा पहले रोस्ट करेंगे, उसके बाद में हम बाकी के मसालों के साथ में इनको रोस्ट करेंगे। सिर्फ 25 से 30 सेकेंड के लिए ही हमें इनको रोस्ट करना है, क्योंकि अगर हमने बहुत ज़्यादा रोस्ट कर दिया तो इनका फ्लेवर जो है ना वो बर्न हो जाता है। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। और यहाँ हमने डाल दिया है कसूरी मेथी और खड़ी लाल मिर्च, और इनको सिर्फ गर्म होने देना है, क्योंकि अगर मिर्च लाल हो गई गलती से भी तो टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, हमने इनको ठंडा किया और ग्राइंड करके पाउडर बना लेते हैं। यहाँ पर है मेरे पास में जिंजर गार्लिक और ये हरी मिर्च, विदाउट वाटर हम इनको जो है मिक्सर में पीसेंगे, क्योंकि हमें इनको चिकन के साथ में करना है मैरिनेट। तो यहाँ पर हमने बोन वाले चिकन लिया है 700 ग्राम, क्वान्टिटी सब कुछ आपको वहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी। और इसके अंदर हम डालेंगे सॉल्ट और 1 टेबल स्पून ऑयल। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है चिकन को टेंडर करने का। तो एक दफ़ा मेरा मुंबई से दिल्ली जाना हुआ बाय रोड, और आना भी हमारा बाय रोड ही हुआ। तो जिस ढाबे का चिकन हमको बहुत पसंद आया था फ्रेंड्स, वहाँ पर हमने रेसिपी पूछी। देखिए प्याज जो है ना वो आपको बिल्कुल जस्ट हाफ लेनी है चिकन से, और जो 2 टमाटर है उसकी आपको प्यूरी कर लेना है। ठीक है, तो वहाँ के जो ऑनर थे उनसे हमने बात किया, उन्होंने पहले हमें अलाउ नहीं किया। ये 2014 या 15 की बात है एंडिंग की। तो पहले तो ना बोले वो, फिर जब मैंने उनको अपने बारे में बताया कि भाई हमारा भी कुकिंग क्लास है, हम क्लासेस लेते हैं, तो फिर उन्होंने पता नहीं क्या सोचकर हमें खैर अलाउ कर दिया। तो मैं जब उनके किचन में गई तो मैंने देखा वहाँ हर एक चीज़ जो है ना बिल्कुल फ्रेश यूज़ की जा रही है, इवन कि चिकन भी वो लोग फ्रेश ही काटते हैं। तो ये रीज़न होता है फ्रेंड्स कि हमारे जो खाने हैं उनके जो खाने हैं उसमें टेस्ट का फ़र्क। ठीक है, इंग्रेडिएंट हम भी वही यूज़ करते हैं, वो भी सिर्फ थोड़ा सा उलट पुलट कर दीजिए खानों को, टेस्ट अपने आप चेंज हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिससे टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, आप सेम इसको जो है ना ऐसे ही फॉलो करिएगा, आपकी भी चिकन बहुत ही लाजवाब बनेगी, आप भी बोलेंगे हाँ कोई रेसिपी हमको आज मिली है। तो टमाटर की प्यूरी हमने डाल दिया, वो मैरिनेटेड चिकन जो है उसको हमने थोड़ा सा डाल करके भून लिया था 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पर हम मसाले डाल रहे हैं, 1/2 टीस्पून हमने डाला हल्दी और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ठीक है, और साइड में इसलिए डाला क्योंकि ताकि वो ऑयल के अंदर थोड़ा सा भून जाए। अब हम इनको थोड़ा सा भूनते हैं और हम इनको ढक करके पकाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, ये सिर्फ कलर के लिए है, इससे सिर्फ कलर आएगा। और अब हम थोड़ा सा पानी डाल के ढक देते हैं इनको सिर्फ 10 मिनट के लिए। ठीक है जी, 10 मिनट के बाद में हम इनको ओपन करेंगे। अभी ये गले तो नहीं है, लेकिन हमें इनको कुछ और मसालों के साथ में गलाना है। तो जो मसाला हमने बनाया था ना वो हम यहाँ पर डालेंगे 2 टेबल स्पून। तो फ्रेंड्स आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये मेरा चैनल नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो ये बनाया हुआ हमने मसाला भी डाल दिया, और अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1 से 1.5 कप पानी, या फिर आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ग्रेवी कितनी रखनी है उतना पानी आप डालें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये चिकन ना वाटरी नहीं होगी ज़्यादा, थोड़ा सा सूखी रहेगी। आप जब ढाबे पे खाते हैं तो आपने देखा होगा कि उनकी जो चिकन है ना वो थोड़ा या तो लटपटे मसाले में होती है या ज़रा सा ढीली ग्रेवी के साथ में होती है। 15 मिनट हमने वापस पकाया फ्रेंड्स, चिकन गल चुकी। हमने यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू हमारे चिकन में से आ रही है। आप सेम रेसिपी जो है बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी, आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स मैं फटाफट से डिश आउट करती हूँ। पक करके चिकन को हो गया ना 15 मिनट, हमने फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि फ्लेवर जो है ना अपने अंदर और ये अब्जॉर्ब करे। जब भी आप ढाबे पे ऑर्डर करते हैं आपको फ़ौरन से खाने नहीं आते हैं, थोड़ा वक्त लगता है। तो रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को, सबको। ठीक है जी, इसको ज़रूर बनाइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।